मंडी भामौरा में प्राचीन मंदिर गिराकर खुदाई करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। दरअसल बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंडी भामौरा में प्राचीन मंदिर को गिराकर कुछ लोगों ने जेसीबी मशीन से खुदाई की थी। हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन एवं स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने कई लोगों पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जेसीबी चालक और जेसीबी मशीन मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने आज प्राचीन मंदिर में खुदाई करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राहुल कठहरिया पिता प्रमोद कठहरिया, टिंकू उर्फ अरुण जैन पिता बीरन जैन, समीर जैन पिता मुकेश जैन एवं सोनू उर्फ आशीष जैन पिता अजीत जैन निवासी मंडी भामौरा को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी आरोपियों को कोर्ट ने खुदाई जेल भेजा है। चौकी मंडी भामौरा थाना बीना में एक मामला दर्ज हुआ था, धारा 295 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत। चौकी मंडी भामौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की सूचना प्राप्त हुई थी और लोगों ने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया और लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई। उसके संबंध में विवेचना चल रही थी और उस विवेचना दौरान आज 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने चारों आरोपियों को जेल वारंट बना के खुरई भेज दिया था और इसके पश्चात फिर इन चारों आरोपियों की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिस पर जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने कल दिनांक 1/10/2021 को सुनवाई हेतु नियत किया है। इसमें बचाव पक्ष द्वारा आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा ये राहत चाही गई थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय दृष्टांत हैं उनका पालन नहीं पुलिस ने नहीं किया है, तो उसकी ओर से यह शासन की ओर से तर्क दिया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है। चूँकि मामला गंभीर प्रकृति का था, लोगों की जन सामान्य की भावनाएँ धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं और सांप्रदायिक सद्भाव या दंगा या हिंसा भड़कने की पूर्ण संभावना है, इसलिए हमारी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था।